हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और 6 वीक्स पे अगर आपने टेस्ट करवा लिया है, अपना अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा लिया है और उसमें बेबी का हार्ट बीट आपको सुनने नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको घबराना चाहिए या फिर पेशेंस रखना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा साथ जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी उसमें भी 6 वीक्स के अराउंड जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो हार्ट बीट नहीं आई थी। तो ऐसे में मैंने क्या किया और क्या चीजें आपको फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, आपके पीरियड्स मिस हुए उससे 1 या 2 दिन बाद ही अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और समहाउ टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, तो सबसे पहले आपका काम है अपने डॉक्टर को विजिट करना। अराउंड 5 वीक्स के आसपास अगर आप अपना टेस्ट करते हैं तो समटाइम्स पॉजिटिव आ जाता है और समटाइम्स नहीं भी आता है या फेडेड लाइन आती है। इन ऑल द कंडीशंस अगर नेगेटिव आया है तो आपको टेस्ट रिपीट करना है, बट अगर लाइट लाइन आई है, फेडेड लाइन आई है या फिर डार्क लाइन आई है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना है, सो दैट कि आगे की प्रोसेसिंग जो है वो डॉक्टर कर सके, ब्लड टेस्ट और जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं। आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था, डेट क्या थी लास्ट पीरियड की, उसके हिसाब से वीक्स कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर। तो अगर 5 वीक्स से ऊपर हो चुका है तो कभी कभी डॉक्टर जो है वो आपको 7 वीक्स या 8 वीक्स के आसपास अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं, और कभी कभी डॉक्टर जो है वो आपको 5 या 6 वीक्स पे भी आपका अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए हो, वहाँ पर डॉक्टर का क्या माइंड सेट है, उसके हिसाब से करते हैं। तो अगर आप अर्ली आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स आपका हार्ट बीट जो है वो मिल जाता है और समटाइम्स नहीं भी मिलता है। तो जब हार्ट बीट नहीं आती है तो आपको टेंशन होने लगती है। तो हार्ट बीट ना मिलने के देखो कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी काफी अर्ली है तो अर्ली स्टेज पे हार्ट बीट नहीं मिलती है। हार्ट बीट आने के लिए 6 वीक से ऊपर एटलीस्ट जो बेबी है वो होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी हार्ट बीट जो है वो सुनी जा सकती है। दूसरी चीज कि आपका जो कंसेप्शन हुआ है वो कब हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स हम क्या होते हैं, हमें लगता है कि हमारी साइकिल रेगुलर चल रही है और हमारा ओव्यूलेशन या कंसेप्शन जो है वो ऑन टाइम जो होता है उसके हिसाब से ही हुआ है, बट सब कोई अंदर जाके किसी को भी नहीं पता होता है कि कंसेप्शन एग्जैक्टली किस दिन कब हुआ है। कभी कभी आप अगर इरेगुलर पीरियड्स है तब तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि हो सकता है कि आपका कंसेप्शन जो है वो लेट हुआ हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका लास्ट पीरियड जिस भी दिन आया है और उससे आपने 6 वीक्स या 7 वीक्स काउंट कर लिए, बट एक्चुअली में जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हो सकता है कि 1 हफ्ता आगे पीछे हो सकती है। तो अगर वो 5 वीक की प्रेगनेंसी है तो भी हो सकता है कि हार्ट बीट ना आए। आप कैलकुलेट कर रहे हो स्टार्टिंग से, बट क्योंकि कंसेप्शन ही लेट हुआ है, 1 हफ्ते बाद हुआ आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, तो हार्ट बीट लेट आएगी। तो एक्चुअल में 6 या 7 वीक्स अगर होते हैं तब जाके हार्ट बीट आती है। हमें जो दिख रहा है उस पर हम उतना रिलाय नहीं कर सकते, मतलब एक ये कारण हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट ना आई हो। तीसरी चीज की जो हार्ट बीट है ना, वो क्या होता है, जब आपका 10 वीक्स या 12 वीक्स के आसपास आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपका पेट पे आपका जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें वो आ जाता है, विजिबल होने लगता है। बट अगर आप 6 वीक्स के आसपास गए हैं और आपके पेट के ऊपर से एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें वो कभी कभी नहीं विजिबल होता है, क्योंकि बेबी बहुत ही छोटा होता है और डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हुआ था कि ऊपर ऊपर से चीजें आपको दिखने लगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, या डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेंगे कि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो है वो आप करा सकते हो, जिसको कि हम TVS भी बोलते हैं, तो आप वो करा सकते हो। उससे आपको 5-6 हफ्ते में भी अगर आपका सुनाई दे जाती है हार्ट बीट, और अगर नहीं सुनाई दे रही है तो 7 या 8 हफ्ते में तो आराम से सुनाई दे ही जाती है। तो TVS अगर आप करा लेते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है। बट अगर आपने ये सब कुछ कराया है और आपकी प्रेगनेंसी वो 6 या 7 हफ्तों की है और अभी भी हार्ट बीट नहीं आई है, बट उसके अंदर आपको बेबी का सैक वगैरह दिख रहा है या कुछ चीजें दिख रही हैं, डॉक्टर्स अभी कंफ्यूज हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि आप 1 या 2 हफ्ते बाद 10 to 14 days में अल्ट्रासाउंड रिपीट करने के लिए बोलते हैं। तो तब तक आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी होती है, कंसेप्शन लेट होता है, जिसकी वजह से आप जब 2 हफ्ते बाद जाते हो अपना टेस्ट कराने के लिए तो आपकी बेबी की हार्ट बीट आ चुकी होती है, बेबी हेल्दी होता है। तो उतने टाइम पर आपको पैनिक नहीं करना है, सो दैट कि बेबी जो है वो उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो।
तब तक आप क्या कर सकते हो, या तो मीनवाइल डॉक्टर जो है वो आपका एक ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं HCG हार्मोन चेक करने के लिए कि अगर हार्मोन्स जो है वो बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो डॉक्टर समटाइम्स वो भी करा लेते हैं बट कभी कभी नहीं भी कराते हैं, वो डिपेंड करता है मैंने जैसे कि डॉक्टर के माइंडसेट पे, तो कभी कभी वो नहीं कराते और आपको सीधे बोल देते हैं कि 10 दिन बाद में आना और आपका अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। तो अगर वो ब्लड टेस्ट हो जाता है तो काफी चीजें जल्दी क्लियर हो जाती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको नहीं बोल रहे तो आप खुद ही बोल दो कि आप हमारा HCG का ब्लड टेस्ट कर लो, वो आपका 2 से 3 बार किया जाता है जिससे कि हार्मोन्स के लेवल किस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो उसमें ट्रैक किया जा सके। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है बट अगर आपको जल्दी क्लियर करना है तो आप ये टेस्ट जो है वो करवा सकते हो। उसके अलावा अगर ये भी नहीं कराना है तो आप घर पे भी डेली एक अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कर सकते हो। अगर आप डेली टेस्ट करते हो और जो लाइन है वो डेली डार्क होती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स के जो लेवल है ना वो बढ़ते जा रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है बट अभी थोड़ा सा वही अर्ली प्रेगनेंसी है इसलिए हार्ट बीट नहीं आई बट प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो हो रही है, इट मीन्स कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आप घर पे भी ये चीज कर सकते हो कि डेली आप लगातार 3-4 दिन तक अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और आप देखते हो कि डेली जो लाइन है वो डार्क होती जा रही है तो ये है। और अगर वो लाइट होती जा रही है तो फिर आप एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से मिल लीजिए क्योंकि फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज वगैरह या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जिसमें कि प्रेगनेंसी तो दिखती है बट एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती नहीं है, हार्मोन्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं और वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब वो कम होते जाएंगे तभी भी आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ना उसमें पॉजिटिव तो आएगा बट फेडेड लाइन आएंगी, मतलब आज अगर डार्क थी तो कल हो सकता है कि वो थोड़ी सी लाइट हो और धीरे धीरे वो लाइट होती चली जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जल्दी से डॉक्टर को मिलिए और सारी चीजें उनको बताइए क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। बट अगर टेस्ट रिजल्ट जो है वो डेली डे बाय डे डार्कर होते जा रहे हैं तो इट मींस कि कोई घबराने की बात नहीं है, होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा 6 वीक में स्कैन हुआ था, कोई हार्ट बीट नहीं मिली थी, सिर्फ एक सैग दिख रहा था और डॉक्टर भी थोड़े कंफ्यूज थे बट मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हम लोगों ने करवाया था और उन्होंने मुझे 1 वीक के बाद बुलाया था। तो मेरा आई थिंक 8 वीक के बाद मैं गई थी, आफ्टर 10 डेज उन्होंने बोला था, तो 8 हफ्ते के बाद जब मैंने स्कैन कराया था तब मेरे बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी और मेरा जो कंसेप्शन था वो थोड़ा सा लेट हुआ था, शायद इस वजह से जो है बेबी की हार्ट बीट नहीं वहां पर ऑब्जर्व हो पा रही थी ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। तो आप भी घबराइए मत, पेशेंस रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा उसको अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ में फेस कर लेंगे और होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा, होप फॉर द बेस्ट तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिए और ऐसे ही प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।